जलंधर में आज कोरोना के 9 मामले सामने आने से जलंधर में अब कोरोना के मामले 200 के पार होते हुए 207 हो गए हैं। इसके साथ ही जलंधर वासियों के लिए एक राहत की खबर है कि जलंधर के सिविल हॉस्पिटल में आज जलंधर के मेयर KOSD हरप्रीत वालिया और एक कांग्रेसी नेता सहित 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब जलंधर के सिविल हॉस्पिटल में कुल 33 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। सुनील महेंद्रू की रिपोर्ट, लाइव भारत। आज हमें 7 पेशेंट जो जलंधर को बिलोंग करते थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। 3 इसमें हॉस्पिटल एम्प्लॉई हैं जहाँ से पहले कुछ दिन पहले पॉजिटिव केसेस मिले थे, और बाकी 4 एक पहले पॉजिटिव केस हमारा आ चुका है, उसके कांटेक्ट हैं। इसके अलावा 2 पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट हमें कपूरथला से आई है, जो पेशेंट वहीं पे सैंपल हुए थे और वहीं पे एडमिटेड भी हैं, बट दे बिलोंग टू जलंधर, इसलिए उनकी जो हमारा नंबर है वो उसमें ऐड होंगे। तो उस हिसाब से हमारे जलंधर के अब तक 208 पेशेंट पॉजिटिव हो चुके हैं। उनमें से अभी तक हमें 4,500 से ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं, और इस वक्त तक 34 मरीज़ 34 पेशेंट्स वो रिकवर करके घर जा चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली 6 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से संबंधित। तो अब तक कितने पेशेंट जो अभी हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में मैं आपको कल की बता सकता हूँ। अब वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो 150 जो यहाँ पे एडमिट होंगे, और 3 पेशेंट्स हमारे अमृतसर में दाखिल हैं, 1 पेशेंट दसुआ में दाखिल है, 1 पटियाला में दाखिल है, और 3 जो पेशेंट है वो यहाँ पे प्राइवेट सेटअप है एक शाहकोट में, वहाँ पे एडमिटेड है। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।